वो कांता बीबी ये क्या करता, जान लेगी क्या मेरा? रानी अपनी झांसी नहीं देगी, रानी अपनी झांसी नहीं देगी। नौकरी हो कौन मांगता है? हम औरतों को मांगना ही कहाँ आता है, सिर्फ मांग में सिंदूर भरना आता है, और इस मांग की मांग ये है कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। भाई वो कांता बीबी पागल चली क्या? वो सेठ देखो तुम्हारी ये लड़की पागल हो गई। अपने हक के लिए लड़ना अगर पागलपन है तो यही सही। सुनो देवी देवताओं, हस्तिनापुर के सदस्यों, मैं मेरे पिता गांधार नरेश की सुपुत्री गांधारी ये शपथ लेती हूँ कि मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। हे गांधार नरेश। आगे जनरल है। गांधार नरेश, सुपुत्री गांधारी को भूल गए आप? अरे कांता बेटी ये क्या गड़बड़ रहे हैं? पिताश्री मुझे 500 मुद्राएं प्रदान कीजिए। ये मुद्राएं क्या होना रे? मुद्रा यानी रुपया, पैसा। अच्छा, तेरे को 500 रुपया होना है, काय करे? राजकुमारी से सवाल नहीं पूछते पिताश्री। राजकुमारी को इतना पैसा क्यों होना रे? आप किस लिए पैसे चाहिए तुझे? ओ फोटो को मत दीदी, आज मेरे स्कूल में ड्रामा कंपटीशन है, मैं गांधारी का रोल कर रही हूँ, कॉस्ट्यूम के लिए मुझे 500 रुपए चाहिए। 500? हम गांव रामलीला करते थे तो पूरे रामलीला का कपड़ा 500 में आ जाते थे, अभी तो गांधारी का सफेद साड़ी तो 100-150 में आ जाएगा। हाँ बराबर, ये ले 100 रुपए। नहीं मुझे 500 रुपए ही चाहिए। वो सेठ दे दो ना, बच्चा बोलता है दे दो ना। मैं आम दिया ना, मगर बाद में तुम्हारे पगार से काटना चलेगा। अप्पा, रानी अपनी झांसी नहीं देगी। ये महाभारत में झांसी की रानी कहाँ से आ गई? तुम नहीं समझोगी, ये मॉडर्न नाटक है। अप्पा पैसे? बिल्कुल नहीं, तेरे रोज का नाटक नहीं चलेगा। दीदी इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा अगर गांधारी की झांसी माइकल जैक्सन के हाथ लग गई तो। क्या? ओके ओके, हम तुम्हारा कॉस्ट्यूम लाना है, ये तेरा पॉकेट मनी ले चल पो। थैंक यू अप्पा, गांधारी अपनी झांसी कभी नहीं देगी। क्या भाषण करना वो। हेलो, तुम्हारा फोन। क्या ऑर्डर होना जी? अयो रवि जी, हाँ हाउ आर यू? या या आई एम ओके। तुम्हारे गेस्ट है ना? तीन? या डोंट वरी जी, हाँ हम उनको अच्छा ट्रीट करना जी। हाँ तुम आना, हम वेट करना। हाँ जी। ये सब क्या हो रहा है? किधर क्या होना? यही रुपा। नौरंगी और नौरंगी चाय में मलाई ज्यादा डालना ना, ये जुबान फिसलना। जुबान नहीं फिसलना, दिल दिमाग सब कुछ फिसलना। आ, ये तुम क्या बोल रही है? ठीक बोल रही हूँ, बाय द वे दिल दाएं साइड पे नहीं बाएं साइड पे। वॉच हम बोला, ये कैसा फिसलना है? संभालिए, ये तुम्हारे फिसलने की उम्र नहीं है। पागल मत बनो, ये मेरे रामलीला का मुकुट है, ये तुम नहीं पहन सकते। क्या कहता है, मैं अगर ये पहनेगी तो एकदम राजकुमारी दिखेगी इसमें। अरे तुम समझती का है नहीं, ये हमको सिद्धि होगी भगवान दिया था, ये तुम ये जादू का। ओहो, ये क्या हो रहा है? सेनापति, हमारे सरहद पे दुश्मन कहां से आया? हमारी सुख शांति भंग करने वाले को दीवार में चुनवा दो नारंगी सेठ। चुप रह, 15 मिनट में घर का काम नहीं हुआ तो मैं तेरे को दीवार में चुनवा दूंगी, चल। देखो मैं ऑलरेडी बहुत गुस्से में हूँ, मेरा दिमाग मत खराब करो। सब इसी की वजह से हुआ है। क्या? ये हमारे रामलीला का मुकुट है, इसको पहन के ना हम पूरा हनुमान बन जाते थे। अब हमारी समझ में आया कि ऐसा कैसे होता है। क्या कैसे? आप गुस्सा में भी उतना ही अच्छा लगती हैं जितना जब हंसती हैं। सेठ जी अब जाएं? नहीं, वो 5 नंबर को मुकुट पहनाना, नहीं नहीं ऑर्डर लेना है। यो भगवान जी,
हमारा राधा बेटी बहुत गुस्सा कर रही है, उसे माफ करना। वो समझना, वो सब गलत समझना। अभी तुमको मालूम है इसका मम्मी ऊपर जाने के बाद हम कुछ, तुमको मालूम है अभी तुमको क्या बोलना है। तुम कभी हमको दर्शन देगा ना तो कभी हम अपना दिल का बात। अयो भगवान जी, अपना बात इतना जल्दी सुनना जी। ये नया मॉडल लोग मार्केट में किधर से आ गया बाप? हमको तो लगता है ये लोग सागर साहब का घर का एड्रेस भूल गया। नहीं, हमारी सरकार ने मिलिट्री को नया यूनिफॉर्म तो नहीं दे दिया? हमारा बहुत बड़ा भाग, आप डायरेक्ट हमारा होटल में आने। भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे, अभी हमको आप सेवा का मौका देना। ये हसीना, नौरंगी, राधा, जल्दी आना रे। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। गलत ही है, अभी हम कभी आपको गलत नहीं समझना जी। आप हमारे पाँव तो छोड़िए। कैसा छोड़ेगा जी, कैसा छोड़ेगा? यह स्वर्ग का नाजुक नाजुक पाव मुंबई म्यूनिसिपालिटी के रोड पे खराब होना जी। छे छे छे, ये हसीना पानी ला रहे, अभी हम प्रभु का पाव धोना। राम जी की निकली सवारी, राम जी की रेडी है बॉस, फिंगर बॉल में गरम पानी। पहली बार बराबर काम किया रे तू नवरत। अयो छे छे छे, अभी हम प्रभु का आरती करना। ये नौरंगी माचिस ला रहे हैं। अरे चमत्कार चमत्कार, ये माइकल देखा, प्रभु का लाइटर, ऊपर का इंपोर्टेड लाइटर देखा। मेरा हेडलाइट तो फ्यूज हो गया है शेट्टी। शेट्टी, अरे तुम देख नहीं सकता कि ये लोग कॉस्ट्यूम में हैं? कम ऑन शेट्टी, होश में आओ, क्या हो गया है तुमको? हाँ, हम लोग भगवान नहीं है अप्पा, ये हमारे जैसे लोग हैं, आपको दिखता नहीं है क्या? ये तुम लोग देख नहीं सकते, तुम प्रभु को नहीं पहचानना। नहीं नौरंगी, तू प्रभु के लिए मैसूर मसाला और देवी के लिए कांजीवरम इत्यादि लाना चाहिए। बस मगर अयोध्या के भगवान मैसूर मसाला कैसे खाएंगे? खा लेंगे यार, हम वनवास पे हैं। और वनवास पर? लेकिन आप लोग हैं कौन? मैं बताती हूँ। अच्छा, आप बताती देवी है? शट अप रे, तू जल्दी ला रे खाना, ला रे भूखा भगवान। बेटी क्या कर, क्या करना रे, भगवान को सवाल करना, अनर्थ होना, प्रलय होना, होने लगा। बोला तुमको प्रलय होना है? ये देखो, ये रहा प्रलय। मैं भगवान जी का फैन हूँ, हवा खिलाऊंगा ना तो खुश होके फौज में भर्ती करा देंगे मेरे को। हसीना, तेरे दिमाग में अकल नाम का चीज क्यों नहीं होना रे? भगवान जी के पास आपको देने के बाद कुछ बचा ही नहीं होगा। भगवान माफ करना रे। किया बाबा किया। हमको नहीं रे, इनको, इन सबको, ये पागल होना, इनको माफ कर। किया बाबा, सबको किया। और सुनिए, हमारा ऑर्डर ले लो ताकि हम कुछ नाश्ता कर सके। लाया बॉस। ये क्या होना रे? फल फ्रूट, भगवान जी वनवास पर है ना। वनवास? किसके वनवास की बात हो रही है? थैंक गॉड रूबी जी आप आ गए, यहाँ तो पूरा कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, अरे राम जी का? अरे मत पूछिए रूबी जी, मत पूछिए। वापस आते ट्रैफिक लाइट्स गलत क्रॉस करने की वजह से पुलिस वाले ने उसे चार्ज कर दिया, और उसी के चक्कर में हवालात में है। क्या टाइम आ गया है। आप इनको जानते हैं? हाँ। इनको सब मालूम? सब क्या मालूम? वो जो हमारा तुम्हारा वो क्या रुबा। अरे शेट्टी यार, ये लोग भगवान नहीं है, ये तो राम रावण नाटक के किरदार हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। इन्हें बुलाया था इंटरव्यू के लिए, तुम्हें फोन करके तो कहा था मैंने। यो, तुम्हारा फोन? ये तुम्हारे मेहमान। मैंने आपसे कहा था ना, आप भी बस की लीला कर दिया। सच्ची एक दिन ही आप उनका ब्रेक डाउन कर दे। अरे मैं पूछता हूँ, ये रेस्टोरेंट है या रामलीला ग्राउंड?
सुनो, मेरा इंटरव्यू चलता रहेगा। ओके, तुम तीन चार अच्छे कैजुअल से फोटोग्राफ्स। ओके ओके, बैठो बैठो। हाँ, अरे नौरंगी, ये फल फ्रूट हटाओ और कॉफी पियेंगे। कॉफी और गरम डोसा। रूबी जी, ये का लोग हमारे गांव से चरम लीला करते हैं। क्या कहते हो नारंगी, ये लोग तो लंदन अमेरिका में शोज करते हैं। मिस रूबी, ये फोटो सेशन का मूड नहीं जम रहा है। और ये एक्सप्रेशन भी अच्छे नहीं आ रहे आपके। रूबी जी, हम बोले हाँ। आप रामलीला का एक पोज दीजिए। नॉट अ बैड आइडिया। लक्ष्मण जी, नाटक को कोई सीन हो सकता है? राम जी कहाँ है? तो क्या हुआ, बगैर राम जी के एक प्रसंग हो सकता है? कौन सा? जब राम जी हिरण के पीछे भागे जा रहे थे, तब सीता मैया और लक्ष्मण जी वाला प्रसंग। अमिताभ रेखा वाला? नहीं, लक्ष्मण रेखा वाला। ये सीन हो सकता। पर लक्ष्मण के जाने के बाद तो रावण आता है, रावण कहाँ है हमारे पास? हम करेंगे ना रावण का भूमिका। हम गांव बहुत खेले हैं, हमारे पास तो मुकुट भी है। हम दिखाएं आपको? हाँ, दिखाओ। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा, त्रिभुवन में कौन दूजा है? अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। भाई, तू नाटक में काम करता था? तेरा कसम सचमुच। हट, कुछ भी किधर भी नहीं बोलने का। अयो, तुम्हारा दोनों का फेलियर लव स्टोरी बंद बना रहे। रूबी जी, तुमको रावण होना? ओ नो नो नो, शक्ति जी, जब ओरिजिनल आइटम हो तो आपका तो कोई चांस नहीं। रूबी, तुम मुझसे उलझने की कोशिश मत करो, आई वॉन्ट यू। अरे बाबा भाई, तू कर्नल साहब, यू आर परफेक्ट रावण। सच्ची यार, इसका डिकी बॉनेट परफेक्ट रावण जैसा है। नॉनसेंस, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। मैं ये नौटंकी नाटक नहीं करता हूँ। अरे जाने दीजिए, इनसे क्या होगा? पता नहीं ये बॉर्डर पर जाके लड़ते भी थे या कागज पर पेंसिल से बॉर्डर खींच के वॉर वॉर खेलते। व्हाट? मैं बॉर्डर पर नहीं जाता था, मैं कागज पर वॉर वॉर। मिस रूबी, तुमने मेरे अंदर के सिपाही को ललकारा है। मुझे तुम्हारा ये चैलेंज स्वीकार है, लेकिन जैसे मैं बिना यूनिफॉर्म पहने बॉर्डर पर नहीं जाता था, वैसे ही मैं बिना कॉस्ट्यूम पहने रावण का पार्ट नहीं करूंगा। मेरे पास एक कॉस्ट्यूम है ना, मैं लेकर आती हूँ। हमारे पास मुकुट है, हम लेके आते हैं। नॉनसेंस। चलो जल्दी जल्दी, दो मिनट में सब तैयार हो जाएगा। अपनी रक्षा खुद कर सकती है। भाभी, अगर आपका यही फैसला है तो मैं हो आता हूँ, मगर आप तुम जाओ लक्ष्मण, मेरी चिंता ना करना। हे प्रभु, मैं आ रहा हूं। मुकुट, भिक्षा दे। पहले मुकुट पहन लीजिए। नहीं, हट। कर्नल रावण सिंह इतना गंदा मुकुट नहीं पहनेगा। भिक्षा दे। यही मुकुट है, इसे पहनते सचमुच आप रावण बन जाएंगे। अरे जब तुम रावण बनो तब पहनना है। तो भिक्षा दे। देखा हमने क्या कहा था? Thank you.
भी माफ कर दी। गुरु द्रोणाचार्य ने हमें चक्रव्यूह बनाने की आज्ञा दी है और मैं चक्रव्यूह के पांचवें कड़े का 11वां सैनिक वीरभद्र आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। देखो तुम ये रेखा मत पार करना। आप चिंता ना करें माँ कुंते, हमारे व्यूह को कोई रेखा। कर्नल, ये रामायण में ये लाइनें कहाँ से आ गई? साहब आप ये क्या बोल रहे हैं? ए साहब, तू तो अपन का बॉर्डर छोड़ के इराक पे चला गया है? चुप रहे मूर्ख, वीरभद्र से बात करने की तमीज नहीं है तुझमें? अयो कर्नल, तुम वीरभद्र नहीं रहे, तुम रावण हो ना रावण। अच्छा, 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं देनी है इसीलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो प्रजापति? प्रजापति कौन रे? तुम? हाँ। तुम? प्रजापति। प्रजापति? ये तुम क्या बोल रहे कर्नल? हाँ प्रजापति, 126 जन्मों पहले तुम्हारा नाम प्रजापति था और मैं तुम्हारा दोस्त वीरभद्र। इंटरेस्टिंग, यहाँ खबर मिली। 126 जन्मों पहले? अप्पा को तो कल क्या हुआ वो याद नहीं है। मैं याद दिलाता हूँ, गुरु द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह के पांचवें कड़े के तुम 10वें सैनिक थे और मैं 11वां सैनिक था। हम दोनों में शर्त लगी थी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया, मैं शर्त जीत गया और अब मैं अपनी 50 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेने आया हूँ। मुझे मेरी स्वर्ण मुद्राएं दे दे प्रजापति। एक मिनट, आप दोनों के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं है, इसीलिए तो मैं सुभाष कई की तरह कोर्ट में नहीं जा सकता। मुझे मेरी रकम दे दे प्रजापति। अयो वीरभद्र, ये 50 लाख स्वर्ण मुद्रा तू मांगता, तू क्या मेरे को अंडरवर्ल्ड का डॉन समझता क्या? देख 50 पैसे का सिक्का पड़ेला बहुत उधर गल्ले में, तेरे को देव क्या बोल? खामोश, मुझे मेरी रकम दे दे, 126 जन्म से मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ। वीरभद्र जी, आपके पास क्या सबूत है कि पिछले जन्म में अपन ने आपके पैसे नहीं लौटाए? ये तो इनके हंसने की वजह से हम आ रही है। बालिके, तुम्हारे इन पिताश्री को 125 जन्मों बाद मानव का जन्म मिला है। इन्होंने अपने जन्मों का कैरियर चींटी से शुरू किया, फिर कभी चमगादड़ बने तो कभी छिपकली, कभी भालू बने तो कभी गीदड़, कभी ऊंट बने तो कभी हाथी, कभी मक्खी बने तो कभी मच्छर, अब जाकर ये मानव बने। और अब मैं अपनी रकम लिए बिना नहीं जाऊंगा। मेरी रकम मुझे दे दे प्रजापति, क्या मैं अनर्थ कर दूं? ये हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी कितने अजीब होते हैं ना, इनका अपना एक स्टाइल होता है, एक अंदाज होता है। काश हमें भी याद आ जाता कि वीरभद्र और प्रजापति से कितनी मुद्राएं लेनी है। प्यार किया कोई चोरी नहीं की। सलीम, क्या ये रेडियो बंद नहीं हो सकता? अनारकली, तुम्हारे लिए रेडियो तो क्या, मैं इसे भी बंद कर दूंगा। चुप, कौन है वहां पर? इस विविध भारती को कैद खाने में डाल दिया जाए, क्या किसकी वजह से हमारी अनारकली को तकलीफ हो रही है? माफ हो राजकुमारी, मगर आप ये अच्छा नहीं कर रही है। शाम में महफिल अपुन के बगैर अधूरी रह जाएगी। सलीम, इसे सजा मत दो, सिर्फ कहो सिचुएशन पर गाना गाए। ठीक, इसे सिचुएशन समझा दिया जाए। सलीम, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? नहीं,
मैथमेटिक मत पूछना। खुद हूँ, मैथ में तो मैं खुद भी फेल होती थी। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, वो कौन सी कली है जो कभी फूल नहीं बनती? अरे ये मत, अरे क्या चिपकली, चिपकली किधर? खामोश, ये क्या होना रे? जापना, ये छिपकला आपकी राजकुमारी के साथ क्या कर? दूर ये गुस्ताख सलीम रोज आपके अनारकली के साथ शामे महफिल सजाता है। नॉनसेंस, शामे महफिल? हुजूर, इस बात पर हम एक तो शेर बोलता है। चुप रे, चुप चुप। ये प्रधान जी, छिपकली देख के तुम डरना, तुम शेर क्या बोलना रे? चुप चुप। मेरे सलीम, लगता है अप्पा हुजूर का मूड ठीक नहीं है। ये क्या कंफ्यूजन है अनारकली? झापना अकबर तो हमारे डैडी जान हुआ करते थे। सलीम, इतिहास की हर बात सच नहीं हुआ करती। पार्डन? जन्म के समय तुम दोनों के पालने हॉस्पिटल में बदल दिए गए। यानी? यानी तुम्हारा अब आखिरी टाइम होना रे। ऑर्डर हुजूर, इसका लव स्टोरी का काउंटर बंद कर देना। नहीं 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 अप्पा हुजूर, नहीं। अभी तक तो हम दोनों ने पेड़ों के इधर उधर डांस तक नहीं किया। अब इनकी परेड करवाओ। कि दारुण प्रेम कथा हुजूर, इस बात पर हम एक तो नहीं बोलेगा। ऑर्डर हुजूर, इस आतंकवादी को दीवार में चुनवा देना। यस हुजूर। नहीं सलीम, नहीं अब्बा। अनारकली, 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 ना अनारकली, 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 अनारकली। ये लगी आखिरी। मेला तो छोड़ दो मेरे हीरो को। तुम्हारी ईंटें इतनी मजबूत नहीं जो इस मधुबाला से ना टूट सके। हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं मधुबाला, अगर अब हम जा रहे हैं क्योंकि अनारकली हमारा इंतजार कर रही है। नहीं, तुम्हारे दीवार में चुने जाने की खबर हमारे अखबारों में छप चुकी है, अब उसे नहीं बदला जा सकता। चलो वापस। नहीं 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 रे मेरे पास। वाओ, ये क्या हो रहा है? अब वो महाभारत। How interesting! अगर ये महाभारत का कैरेक्टर है तो मैं इसके साथ मेरी डायलॉग देने वाली कर सकती हूँ। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? सैनिक वीरभद्र। मैं गांधारी हूँ। मैं हुक्म देती हूँ कि तुम इस बालक को छोड़ दो। अरे कोई इस बच्ची को विद्याश्रम ले जाओ, रणनीति में बच्चों का कोई काम नहीं है। कर्नल अंकल, वीरभद्र, ये क्या माजरा है? जब से कर्नल साहब ने हमारा दिया हुआ मुकुट पहना है तब से इनके अंदर वीरभद्र की आत्मा जाग गई है। अरे ये सब कर्नल अंकल को ये मुकुट पहनने से हुआ है, तो कोई उनका मुकुट उतार दो। सिंपल। रुक जाओ, कर्नल अंकल का मुकुट मैं उतारती हूँ। कैसे? देखा जाए। सैनिक वीरभद्र, अटेंशन, टोपी उतार। क्या फैबुलस सिचुएशन है, इसे तो मैं जरूर छापूंगी। चलो अच्छा हो गया, हमारा जान बच गया। कांता की वजह से आपकी जान बच गई अप्पा। हाँ कांता बेटी, अभी रोज हम तुमको 5 रुपया। 5 नहीं 25। 5 25। 5 रुपया। 25। 5 5 5 5। ओके कर्नल अंकल, अटेंशन, मुकुट पहन। मुंगेरी